हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट जुलाई 2013 का लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का पेपर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपका लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का जो पेपर है, ये देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये इसमें एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 121 से 129 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, ये देखिए, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो क्वेश्चन नंबर 121 टू 129 बाई सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, तो पैसेज आप लोग ये रीड कर लीजिए। ओके, ये पैसेज देखिए, ये है, इसको आप लोग रीड कर लो। राजा रवि वर्मा वॉज ए इंडियन किंग एंड पेंटर हुज पेंटिंग ब्रॉट अ मोमेंटस टर्न इन इंडियन आर्ट। ओके, हिज वर्क्स ऑन ग्रेट इंडियन एपिक्स रामायण एंड महाभारत ब्रॉट द ओमनी प्रेजेंट डाइटीज टू द सराउंडिंग्स ऑफ अर्थी वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको पढ़ लीजिए। मैं पूरा पढ़ूंगी तो टाइम टेकन होगा, तो इससे वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो ये पूरा पैसेज है, आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। ओके, ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि द इन द एक्सट्रैक्ट आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिक्स मीन्स ही वॉज इंटरेस्टेड इन। तो इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यूनिक रेंडरिंग ऑफ ओल्ड मिथोलॉजीज। ओके, नेक्स्ट देखिए 122, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ मिनिमाइज। यहाँ पर ये पूछा है कि पैसेज में से वह वर्ड फाइंड कीजिए जो कि मिनिमाइज का अपोजिट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनहैंस्ड। नेक्स्ट 123 है, द आर्टिकल इज ए एन, आर्टिकल इज ए एन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर, बायोग्राफी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट एसोसिएशन विथ, द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट एसोसिएशन विथ ऑप्शन नंबर थर्ड, पेंटिंग। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन ये पैसेज से ही लिए गए हैं और इसका आंसर पैसेज को ही रीड करके बताना है। ठीक है, तो ये 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पेंटिंग। नेक्स्ट 125 देखते हैं, द टर्म्स ऑफ रवि वर्माज फेमस पेंटिंग वर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फीमेल फिगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, ही वॉज स्पेशली एबल टू एसेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन द पोजिशन ऑफ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, फैमिलीज हु इनहेरिटेड देम। ओके, इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन है, ही वॉज स्पेशली एबल टू एसेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन द पोजिशन ऑफ ऑप्शन नंबर फोर, इसका राइट आंसर, फैमिलीज हु इनहेरिटेड देम, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 127 देखेंगे, एज ही मैच्योर्ड इन हिज क्राफ्ट, रवि वर्माज स्किल वर इन्फ्लुएंस्ड बाई, रवि वर्माज स्किल वर इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑप्शन नंबर टू इसका होगा, इटालियन आर्टिस्ट, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 128, हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू गाउडी एंड सेंटिमेंटल मीन्स दैट हिज वर्क वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग कलर्स एंड इमोशनली अपीलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 129 देखिए, अ सिनोनिम फॉर ओमनी प्रेजेंट इज, ओमनी प्रेजेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब भी होता है चारों तरफ, जो कि सब जगह हो, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये देखिए आपका पैसेज से ही रिलेटेड है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 132-135 नंबर क्वेश्चन बाई सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी पैसेज, द सीन प्रेजेंटेड बाई ए कम्युनिटी ऑफ बेस इज द मोर एस्टोनाइशिंग द मोर वी बिकम एक्वांटेड विथ इट्स डिटेल। इसको रीड कर लीजिए आप लोग पूरा इसका पैसेज, विथ अ ग्रेटर विजडम देन कैन बी क्लेम्ड बाई मैन दीज क्रिएचर अलाउ नो डिस्प्यूट अबाउट द सक्सेशन टू द थ्रोन टू इंड्यूस देम टू इंजर ईच अदर बट दे रिक्वायर द पार्टीज देमसेल्फ इंडिविजुअली टू सेटल द क्वारल बिटवीन ईच अदर। ओके, इसको आप लोग देख लीजिए पूरा, इसको रीड कर लीजिए, ये पैसेज है।
और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए स्टार्ट होते हैं 130 नंबर क्वेश्चन से. ओके तो ये देखिए क्वेश्चन है, द क्वीन बी हैज़ अ पोजीशन विच गिव हर ब्लैंक फ्रॉम हर सब ऑर्डिनेट्स. का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सेप्शनल रिवरेंस एंड डिवोशन, ये इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन है, टू एक्सर्ट देमसेल्व्स मींस द बीज आर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिजी टॉयलिंग. टू एक्सर्ट देमसेल्व्स मींस द बीज आर बिजी टॉयलिंग, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए 132, ईच हाइव्स इज अ कॉमनवेल्थ मींस द हाइव्स इज, ईच हाइव इज अ कॉमनवेल्थ मींस द हाइव इज, ऑप्शन नंबर 4 सेल्फ गवर्निंग, ये इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ये 133 नंबर का जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा ब्लर हो गया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका आप लोग अगर आप लोग के पास पेपर होगा 2013 सीटेट जुलाई का तो उसमें देखिएगा, उसमें जो ये क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा पहला. ओके, कंडेमिंग द बिहेवियर ऑफ इल टेम्पर्ड ह्यूमन बींग, ठीक है. नेक्स्ट 134 देखते हैं, द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए फ्यूचर जनरेशन सजेस्ट दैट द राइटर इज ब्लैंक इन हिज और हर आउटलुक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नेशनलिस्टिक. नेक्स्ट 135 देखते हैं, द पार्टीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स, पार्टीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स का ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 पार्टिसिपेंट्स, इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोशिएट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन राइट इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है 136 से 150 नंबर तक के क्वेश्चन को. ये भी क्वेश्चन देखिए, एबिलिटीज फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल स्टूडेंट टू डील द इफेक्टिवली विथ एवरी डे डिमांड्स एंड चैलेंजर्स आर ऑप्शन नंबर 4 लाइफ स्किल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 137 है, अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ ए डिस्करेज इन राइटिंग डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अ पैराग्राफ. नेक्स्ट द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल सेंटेंस, द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल सेंटेंस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इफ द सी इज स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई इज द राइट आंसर. नेक्स्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अनेबल शेयरिंग ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज विद इन एन इंस्टीट्यूशन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इंट्रानेट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 140, इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू लव द वर्ल्ड एंड टू इमेजिन अ पीसफुल फ्यूचर एंड केयरिंग फॉर द स्टूडेंट एंड इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू केयर फॉर अदर इज विच टाइप ऑफ एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 141 है, अ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर द लिसनर टू फीडबैक व्हाट दे हियर्ड इन देयर ओन वर्ड्स टू कन्फर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज इज एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 142 नंबर क्वेश्चन, कंपाउंडिंग एज, कंपाउंडिंग एज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. स्ट्रिंगिंग टुगेदर ओल्डर वर्ड्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम अर्थ एंड क्वेक. ओके नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स फॉर्म दियर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन नंबर 3 जो का ये इसका राइट आंसर होगा. 44 देखते हैं, 144, ई लर्निंग रेफर्स टू, ई लर्निंग का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है देखते हैं कि ये एग्जाम्पल ऑफ इररेगुलर वर्ब्स, इररेगुलर वर्ब्स का एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रेक ब्रोक इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है अ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज वर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड, ऑप्शन नंबर 4 होगा कोर्स कंटेंट, ये इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं 147, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मिंट, असेसमेंट मीन्स ब्लैंक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मीन्स होता है समेटिव असेसमेंट. नेक्स्ट इन द वर्ड फ्लावर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज, फ्लावर वर्ड में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया फ्लेवर, ओके, FLAEVR. नेक्स्ट देखते हैं, द
gathering skill while reading is option number 3, note making. Our last question of this video, students, multiple choice item consist of a option number 1st hoga stream and a set of options. Ye hoga iska right answer. To students, ye video main yahi pe rok rahi hu, theek hai? Aur CTET July 2013 ka ye paper कंप्लीट हुआ यहाँ पर. और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलना, ठीक है? और जिससे कि जो भी जितने भी वीडियो अपलोड हो आप लोग को मिलते रहें. और इसके पहले भी जितने वीडियो अपलोड किए गए हैं सीटेट जुलाई 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके और भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये सब पेपर सॉल्व करा दिए जा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लेना. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग.